इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के 7 दिन की रिमांड मिल गई है और सुबह दिल्ली से लेकर पंजाब पहुंची पुलिस ने लॉरेंस को मानसा कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने लॉरेंस की 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस को सौंपा था। और आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड मिली है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई 14 दिन तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में था, अब मानसा कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 7 दिन की रिमांड दी है और कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को ले जाया गया। लॉरेंस बिश्नोई जो मूसेवाला केस में आरोपी साजिश करता है, कई सारे राज सामने आ चुके हैं और अब पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। इससे पहले जब उसको मानसा ले जाया गया, उसका मेडिकल भी होता है और तस्वीरें आप देखिए कि इस गैंगस्टर को कड़ी सुरक्षा दी गई। वहां पर जो कोर्ट का आदेश था उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इसको मानसा ले जाया गया, दिल्ली पुलिस की हिरासत में पहले था, उसके बाद पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिलती है, अब 7 दिन की रिमांड मिली है। मूसेवाला हत्याकांड के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। तब से ही पंजाब पुलिस की कोशिश थी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया जाए और उसे अब लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड मिल गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है। दिल्ली की कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शर्तों के साथ ट्रांजिट रिमांड दी है। पुलिस ने पंजाब ले जाने से पहले उसका मेडिकल करवाया, लॉरेंस को अपनी कस्टडी में लेने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर पंजाब पहुंची। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार शार्प शूटर संतोष जाधव को अपनी हत्या का डर सताने लगा है। एक रोज पहले ही महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने उसे गुजरात के भुज से उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुणे पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सच्चाई सामने आ सके। 29 मई को पंजाब के मानसा में मूसेवाला की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में 8 शार्प शूटर शामिल थे, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र की पुलिस भी इस हत्याकांड को सुलझाने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला को मारने के लिए अलग अलग राज्यों से शूटरों को बुलाया गया था और उनमें संतोष जाधव भी शामिल था, जो पुणे का रहने वाला है और महाराष्ट्र के कुख्यात अरुण गवली गैंग का गुर्गा भी है। आरोप है कि उसने 1 साल पहले पुणे में एक आदमी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था और पुलिस काफी अरसे से उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस को मूसेवाला हत्याकांड में शार्प शूटर सौरभ महाकाल और संतोष जाधव के शामिल होने की बात पता चली। फिर क्या था, पुलिस ने महाकाल को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर संतोष जाधव को भी गुजरात के भुज से धर दबोचा। पुणे पुलिस का दावा है कि संतोष जाधव भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है और वो शार्प शूटर भी है और पूछताछ के दौरान उसने अपनी भूमिका इस जघन्य हत्याकांड में कबूल कर ली है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी संतोष को अपनी हत्या का डर सता रहा है। उसे ये डर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर उसे मार डालेंगे ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सच सामने ना आ सके, और इसी वजह से मूसेवाला की हत्या के बाद से ही संतोष जाधव भागता फिर रहा था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ही उसकी हत्या कर देंगे। इसके अलावा 4 राज्यों की पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी, जिनसे बचने के लिए वो अलग अलग राज्यों में छिपता फिर रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि मूसेवाला की हत्या के बाद वो कुछ दिन दिल्ली के आसपास के इलाकों में छिपा रहा, लेकिन जब खतरा बढ़ा तो संतोष छिपने के लिए गुजरात चला गया। इसके पीछे उसकी दलील यह है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे उसे आसानी से ढूंढ लेते, क्योंकि इन 3 राज्यों में इस गैंग की अच्छी खासी पकड़ है। इसी वजह से वो अपने साथ